हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर आखिर क्यों प्रियंका ने लगाई स्टैन और शिव की क्लास? कहा नहीं चलेंगी तुम्हारी डबल मीनिंग बातें। क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर प्रियंका चाहर चौधरी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की ड्यूटी कर रही थी और ऐसे में प्रियंका की ड्यूटी सुबह ब्रेकफास्ट की थी तो उन्होंने जाकर शिव से और स्टैन से दोनों से पूछा कि बता दो मुझे कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊं। यहाँ पर स्टैन और शिव दोनों कंफ्यूज हो गए, जिसके बाद स्टैन से प्रियंका ने कहा कि अंडे रखे हैं तो अंडे दे दो। इस पर स्टैन ने कहा अंडे तो बहुत सारे हैं मेरे और शिव के पास। प्रियंका ने कहा पर अंडे तो इतने थे नहीं, तो तुम्हारे पास इतने सारे कहां से आए? जिसके बाद दोनों हंसने लगे। प्रियंका समझ गई कि दोनों मस्ती कर रहे हैं और डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। जिसके बाद प्रियंका ने कहा कि स्टैन और शिव देखो, मैं एक लिमिटेड मजाक करती हूँ और मैं एक डेकोरम मेंटेन रखती हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम भी वही करो। मेरे को ना डबल मीनिंग बातें पसंद हैं और ना ही मुझे किसी के साथ डबल मीनिंग बातें करने की आदत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरे साथ भी ना करे, क्योंकि मैं ये सब नहीं ले सकती। आज तो हो गया जो तुमने बोला, लेकिन अगर आगे से ये हुआ तो शायद ये सही नहीं होगा। जिसके बाद शिव ठाकरे और स्टैन दोनों चुप हो गए और स्टैन बाद में प्रियंका के जाने के बाद कहने लगे ये तब भाव क्यों खा रही रे। जिसके बाद शिव ने कहा छोड़, पर प्रियंका ने सुन लिया था। प्रियंका ने पीछे मुड़कर कहा मैं भाव नहीं खा रही, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक डिग्निटी मेंटेन रखो, क्योंकि यू आर टॉकिंग टू अ फीमेल। वेल दोस्तों, लग रहा है कहीं फिनाले से पहले स्टैन शिव और प्रियंका में इन्हीं बातों को लेकर बड़ी लड़ाई ना हो जाए। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।